अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सना होम किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी से स्पेशल बीफ पुलाव, बहुत ही रिच। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इससे आपका पुलाव बहुत ही यमी, बहुत ही रिच बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए कि रफली चॉप अदरक 1/4 कप, बीफ आपने लेना है, गाय का गोश्त 1.5 किलो, हड्डियों के समय पर आपने दस्ती का या बोंग का लेना है। ये दोनों गोश्त बॉईल होने के बाद भी आपका पुलाव बहुत जूसी और सॉफ्ट बोटी होंगी। उसके बाद आप सूपी बोन्स ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है 1/2 किलो, इससे इसका भी रस निकलेगा तो आपका पुलाव मजीद रिच हो जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर लें। उसके अलावा हमें चाहिए होगी प्याज 2 से 3 अदद, मोटा मोटा मैंने काट लिया इसको। उसके अलावा हमें चाहिए होगा नमक 2 से 3 टीस्पून, आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लहसुन आपने छील लेने हैं 2 जवे तकरीबन, तो वो हो जाएगा 1 कप आपने छील लेना है। उसके अलावा आपने जो खड़े मसाले लेने हैं उसमें ज़ीरा लेना है 2 टेबल स्पून, बादियान के फूल लेने हैं 5 से 7, हरी इलायची लेनी है, रेड बटन चिलीज़ लेनी है। उसके अलावा तेज़पात लेना है और खड़ा गर्म मसाला सारा लेना है आपने। उसके अलावा आपने साबुत धनिया लेना है और साबुत सौंफ लेनी है 4-4 टेबल स्पून, ठीक है। अब आपने कोटली बना लेनी है इन सब ड्राई मसालों को डाल के। इसमें साबुत गरम मसाले के अंदर हरी इलायची भी है, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी के टुकड़े, उसके अलावा काली वाली जो होती है बड़ी वाली इलायची, वो क्लोव्स जो होती हैं, वो सबको आपने लेकर एक कोटली बना लेनी है। जितने भी ड्राई मसाले हैं, सारा गरम मसाला और धनिया और सौंफ, इस सबको आप कोटली बना लें किसी कपड़े की मदद से, या तो अगर आपके पास छन्नी है तो आप उसके अंदर डाल के रख दें जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। ये देखिए, इस तरह से आप कपड़े की पोटली बना लें, या बाद में इसको ड्रेन करके इसको साफ़ भी कर सकते हैं, रीयूज़ हो सकता है। ये इस तरीके से पोटली बना लें तभी इसको पोटली पुलाव भी बोलते हैं। अब मैं फ़िलहाल कुकर यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल पतीले में बना सकते हैं अगर आपको जल्दी नहीं है तो। अगर जल्दी है तो आप कुकर में 7 कप पानी डालें, 7 से 8 कप, उसके अंदर सारी बोन्स और गोश्त डाल दें, उसको हल्का सा हिलाएँ, आपको ऊपर एक वाइट सा झाग झाग सा आ जाएगा, उसको आप ऊपर से उतार लें, इसको आप उतार लें एक दफ़ा। कुछ लोग पहले गोश्त बॉईल करके यूज़ करते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका ऊपर से उतार लेंगे वो सही हो जाएगा। जब ये बॉईल होने लगे तो उसके अंदर आपने वो जो पोटली बनाई थी वो डाल देनी है, तेज़पात डाल देना है, जो मोटी मोटी प्याज थी, लहसुन अदरक नमक, ये सब कुछ डाल के जब हम कुकर को बंद कर देंगे। अगर आप कुकर बंद करेंगे तो ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। अगर आप पतीली में पका रहे हैं तो उसको आप 2 से 3 घंटे तक के लिए हल्की आँच पर छोड़ दें, ताकि जब तक कि गोश्त ना गल जाए। जब ये गल जाएगा तो आपने गोश्त अलग कर लेना है और यखनी अलग कर लेनी है, और बाकी चीज़ें चाहे आप इसको रिमूव कर दें। छन्नी की मदद से आपने छान लेना है, ये 1/2 घंटे में तैयार हो। जब तक वो तैयार होगी तब तक आप 1 कप ऑयल लेकर उसके अंदर 4 प्याज़ें हमने चॉप स्लाइस कर ली हैं, 4 से 5 प्याज बड़ी वाली, उसको आप लेकर मतलब पतला पतला काट लें, स्लाइस कर लें। अब उसको आप ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। फ्राई करना है कि अनटिल वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर, क्रिस्पी वो फ्राई हो जाए। अब ये जो बाकी चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्रिपेयर्ड यखनी है ये वो है, गोश्त को हमने छान लिया है, यखनी हमने निकाल ली है, और बाकी जो उसमें चीज़ें थी वो हमने वेस्ट कर दी हैं, उसको उसका अरक निकल चुका है, प्याज लहसुन अदरक का। अब ये और मसाले जाएंगे इसमें, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, साबुत काला वाला ज़ीरा, कड़ी तेज़पात, साबुत धनिया, साबुत सौंफ, उसके अलावा साबुत गर्म मसाला, सारा जो हमने पहले लिया था वो सब चीज़ें दोबारा लिए हैं, पर थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में लिए हैं। वो उस वक्त हमने इसको यखनी में डाला था, अब हम इसको चावल में डालेंगे। सब कुछ साबुत है, ये आपने लेना है। उसके अलावा जो प्याज हमने फ्राई किया उसको हमने 2 हिस्सों में कर लिया, ज़्यादा आपने चावलों में डालनी है, थोड़ी सी बचा लें ऊपर डालने के लिए आखिर में जब हम दम लगाते हैं तो। उसके अलावा ये गोश्त को हमने छान लिया है, हड्डियों समेत इसमें जो बड़ी हड्डियाँ वो आप रिमूव कर दें चाहे। उसके अलावा दही है 350 ग्राम, हरी मिर्चें आपने लेनी है मोटी वाली भी खुशबू के लिए, और पतली जो छोटी होती है वो वाली भी लेनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। चावल भीगे हुए 1/4 किलो, 1/2 घंटे उसमें आपने भिगाना है इसको, और ये यखनी जो हमने बनाई है ये 6 कप आपने इसको ड्रेन कर लेना है छन्नी की मदद से। अब जो ऑयल इसमें हमने प्याज फ्राई की थी उसी सेम पॉट के अंदर हम सारे स्पाइसेस डाल देंगे, ड्राई सौंफ, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, काला ज़ीरा, गरम मसाला, इसमें हरी इलायची और काली वाली मिर्चें, सिनेमन की स्टिक, क्लोव, ये सब चीज़ें आप डालकर इसको आप हल्का सा फ्राई कर लें। साबुत गरम मसाला, ये जो इसमें साबुत सौंफ और साबुत धनिया आएगा इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है ये, तो थोड़ी क्वांटिटी में आपने साबुत भी डालना है। उसके बाद लहसुन अदरक डालें इसके अंदर, इस स्टेज पर आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें लहसुन अदरक को। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे, दही आप थोड़ा थोड़ा दही डालते रहें, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें।
भून लें। अब जो हमने बीफ ड्रेन कर लिया था यखनी का, उसको आप निकाल कर इसके अंदर डाल दें। गोश्त आप अच्छा गला लीजिएगा, पर इतना गला हुआ नहीं होना चाहिए कि टूट जाए। इसमें प्याज भी ऐड कर लें और इतना गला हुआ हो कि आपके चावल में वो परफेक्ट रहे और बूटियाँ टूटे नहीं। अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो वो बाद में गलेगा नहीं। उसके बाद आप इसके अंदर हरी मिर्च डालें, मोटी वाली भी खुशबू के लिए, और जो हरी वाली होती है वो आप 5 से 7 डाल सकते हैं, क्योंकि ये पुलाव इतना स्पाइसी नहीं होता, बट हल्का सा स्पाइस लाने के लिए हम इसमें और खुशबू के लिए हरी मिर्चें ऐड करते हैं। फिर आप इसको फिर भूनें थोड़ा सा, इसमें इस वक्त इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट के लिए आप उसको भून लें। अब आप इसमें नमक डाल लें, 2 टीस्पून मैं स्टेज पे भी डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मैंने पहले डाला था, आप उसके हिसाब से ऐड कर लीजिएगा अगर आपको कम या ज़्यादा लगे। अब ये चावल थे ऑलमोस्ट 1.25 किलो, तो उसमें मैं 6 कप पानी डालूंगी, और यखनी सॉरी 6 कप यखनी डालूंगी, और चावल जो ड्रेन करके जो हमने भिगाए हुए थे वो डाल दूंगी। और आप उसको कवर कर दें और पकाएं जब तक कि पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आप जर्दे का रंग पानी खुश्क होने के बाद डालेंगे। 20 मिनट लगेंगे तकरीबन पानी खुश्क होने में। फिर जो बची हुई प्याज हमने बचाई थी वो आप ऊपर डाल दें, उसको मजीद कवर करके पकाएं 10 मिनट के लिए। टडा, इट्स रेडी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।